नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित। और वैदिक गणित में आपको मैं बता दूं, आज आपको मैं बताऊंगा कि गुणा करने वाली विधि, गुणा करने वाली विधि जिसमें आपको बता दूं कि अंक यानी कि दो अंकों का गुणा या फिर तीन अंकों का गुणा, जो आप एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। आप इसको आराम से देखिएगा वीडियो को, और उस विधि का नाम है तिर्यक, ऊर्ध्वाधर तिर्यक अभ्यास, ऊर्ध्वाधर तिर्यक अभ्यास विधि। उस विधि का नाम यह है। और आपको मैं बता दूं कि दो अंक जैसे 54 × 55, इसका गुणा भी इस विधि से निकाल सकते हैं, या फिर आप 101 × 105, ये तीन अंकों का गुणा, तीन अंकों से इसका गुणा भी आप इस विधि से निकाल सकते हैं। और इसमें आपको मैं पहले बता दूँ, जैसे दो अंकों का है तो आपको इसमें कितने समूह बनेंगे उसकी संख्या निकालनी है पहले। तो दो अंकों का समूह है और दो अंकों का, ये दो अंक है, दो है, तो दोनों का गुणा -1, यानी कि दो अंक और ये दो अंक, तो ये दो अंक, और इनमें से एक घटाना है आपको, ये एक सूत्र है, तो इनमें से कितना आ गया, गुणा 4 और -1, तो इनमें से ये जाएगा, कितने बच गए, 3, यानी कि आपके कितने समूह बनेंगे, दो अंकों का दो अंकों से गुणा है तो उसके समूह कितने बनेंगे, 3 समूह बनेंगे। अब यदि आपको मैं बता दूं तीन अंकों का लेना है तो उसके समूह कितने बनेंगे, ये हो गए 3 × 2, क्योंकि 2 है तो 3, और 3 अंकों का 2 है संख्याएं, तो 2, तो अब इनका और -1, तो ये कितने आ गए, 5, क्योंकि 3 और 2 गुणा 6 हो गया और एक इसमें से गया तो 5। तो तीन अंकों के लिए समूह कितना बनेगा, 5, और दो अंकों के लिए समूह और दो अंकों का गुणा 3 समूह बनेगा। तो आपको मैं पहले दो अंकों का बता देता हूँ कि तीन समूह कैसे बनेंगे। जैसे थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, समूह हमेशा इधर से स्टार्ट करना है। और इन अंकों को आप कैसे लिखोगे, पहले 54 × 55 आपको ये लिखना है, और एक अंक के नीचे एक अंक, यानी कि 5 के नीचे 5, और बीच वाला जो है वो बीच वाला ऐसे, जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला लास्ट के नीचे। अब आपको इनका सीधा सूत्र, जो इसका नाम है वही नाम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कि ये देखो ऊर्ध्वाधर तिर्यक अभ्यास विधि, यानी कि ऊर्ध्वाधर ये ऊपर नीचे, और तिर्यक यानी कि तिरछा गुणा, ये ऊर्ध्वाधर तिर्यक अभ्यास विधि यहाँ पे इस विधि का नाम है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अब इसके बाद ये हो गया, तो अब ये तीन हो गए, तो तीन खुद ऐसे लिख देने, 5 को गुणा किया कितने आ गए, 25, और इनका गुणा करना है कितना, 25, और इनका कितना, 20, और इनका कितना, 20। अब वापस लिख दो, 25 और 20, 25 को जोड़ेंगे कितने आ गए, 5 और 45 और 20। अब हमारे पास यहाँ एक एक अंक लेना है और एक आगे भेज देना, 0 तो 2 आगे भेज दिया, तो 5 और 2 कितने हो गए, 47, यानी और 47 का ले लिया 7, तो 4 आगे भेज दिया, तो 25 और 4 कितने हो गए, 29, तो यहाँ पे 29 रख दिया। ये आ गया किसका गुणा, इन दोनों का आंसर, 54 × 55 का आंसर क्या आ गया, 2970। उसी तरीके से अब आपको मैं बता देता हूँ तीन अंकों के लिए, तीन अंकों के जैसे ये है, तो आपको पहले इसमें बता देता हूँ समूह कितना बनेगा। आपको पहले बताया था कि तीन अंक है तो 3 × ये कितने पद हैं, 1 और 2, तो 2 का गुणा, और -1, तो ये 3 × 6 हो गया, -1 = 5, तो यानी कि 5 पद बनेंगे, तो यहाँ पे लिख दो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अब इन संख्याओं को सेट करना है, तो 101 और नीचे ये, अब इनका गुणा, फिर इनका, तो पहले वाले लेंगे 1 × 1, फिर इन दोनों को लेना है 10 और 10, फिर तीन नंबर पे लेना है 101 × 105, फिर लास्ट में ये दो लेने हैं, और लास्ट में जो बचा है वो लेना है। वही विधि, कितने, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गए। पहले इनका इनका गुणा करना है, फिर इन दोनों का करना, फिर इनका और इनका, फिर इनका, फिर इनका इनका और इनका, तो अभी 1 का गुणा 1 से, और इनका 0 का 0 से, 0 और ये 0। अब इनका करेंगे तो 5 और 1 5, 0 का 0 और 1 का गुणा 1। अब इनका करेंगे 0 + 0, इनका करेंगे 5। वापस सेट कर देते हैं, 1 0 और 0 को जोड़ दिया, कितने हो गए, 0, और इनको जोड़ेंगे कितने हो गए, 6, और इनको जोड़ेंगे 0 और ये 5। अब एक एक अंक ही है तो एक एक अंक यहाँ पे सीधा रख देंगे, अगर दो अंक होते तो एक अंक आगे भेज देते। अब आपका ये आंसर हो गया
किसका 101 इंटू 105 का आंसर ये हो गया। ये थी आपको मैं बता दूं वैदिक गणित में, वैदिक गणित है जो नवीं आठवीं दसवीं में, उनमें प्रश्नावली में ये है ऊर्ध्वाधर तिर्यक अभ्यास विधि। कल आपको मैं बताऊंगा सूत्र निखिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।